हाय गाइस, मैं हुसैन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हफ्ता वसूली। लाइफ में कभी आपने नोटिस किया है कि हर आदमी कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेचने में लगा हुआ है? मतलब चीजों का कोर पर्पस ही चेंज हो चुका है। पहले दुनिया में इतने सारे प्रोफेशन हुआ करते थे, डेंटिस्ट, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बार्बर, अब सिर्फ एक रह गया है, सेल्स। मतलब इंसान सलून जाता है, अनलेस ऑफ कोर्स यू रिच एज फक, बिकॉज देन यू गो टू अ सैलून। और सलून इंसान काहे के लिए जाता है? बाल कटाने के लिए या फिर सुनील शेट्टी की फिल्मों के गाने सुनने के लिए? वहाँ इंसान मस्त बैठ के चौकस बाल कटा ही रहा होता है, कोई ना कोई आगे कान में भुनभुनाने लगता है, सर मेंबरशिप लोगे, सर प्लान खरीदोगे, सर फलाना स्पेशल, सर ढमकाना फेशियल, सर लहसुन। मैं कहता हूँ भाई तू मेरा बाल काट, मेरे को चूतिया मत काट। वही सेम हाल बैंक्स का है। कल मैं बैंक चला गया अपनी पासबुक अपडेट कराने के लिए, बैंकर मुझसे कहता पासबुक मराने, ये बताओ इंश्योरेंस पॉलिसी कराओगे कोई, है इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई म्यूचुअल फंड खरीद लो, कुछ नहीं मैं आपकी एफडी कर देता हूँ, क्रेडिट कार्ड ले लो। मैंने कहा अगर तू टाइम टू टाइम मेरी पासबुक अपडेट करके देख लेता उसमें 13,795 रुपए हैं, तो तू मुझसे चूतिया बने की बातें ना करता। और उसके बाद तो मैंने उसको साइड उठाया, मैंने कहा भाई यहाँ बैठ, तूने दुनिया के करोड़ों लोगों की तरह एमबीए काहे के लिए करा? इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए है। ये क्या तो मेरे को yatra.com के डिस्काउंट कूपन वाले क्रेडिट कार्ड बेच रहा है भाई, क्या कर रहा है तू? Look, I respect all jobs, all professions and everything, but to turn every simple conversation into a sales conversation is a little bit annoying. Annoying से याद है, इस बार मैंने ब्रह्मास्त्र के दो शोज देखे, आलिया भट्ट को देखा, और इसी वजह से मेरा दिमागी संतुलन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, इसलिए हफ्ता वसूली लेट हो गया, बट देर आए दुरुस्त आए, सो हियर वी गो। इंटरनेट पे अंजलि अरोड़ा लीक वीडियो सर्च कर करके थक चुके लौंडे अब एक नई चीज सर्च कर रहे हैं, यानी कि E23। बॉयकॉट करने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद में कि सलमान भाई की नई पिक्चर किसी का भाई किसी का जान भाई जान तब तक रिलीज हो जाएगी। कुछ दिनों पहले भाई ने टीजर डाला, थोड़ा सा बजाज एवेंजर का एड चुराया, थोड़ा सा थम्सअप का एड चुराया, और थोड़ा सा 10 में से 9 डॉक्टर जो शैम्पू रेकमेंड करते हैं उसका एड चुरा के बना दिया एक टीजर। टीजर क्या था, रियलिस्टिक स्पीकिंग एक टिकटॉक था भाई का, लेकिन डायरेक्टर ने सोचा कि भाई साहब ट्रेलर बढ़िया है, बकचोदी है, बेनिफिट कर सकते हैं, लोगों को चूतिया बना सकते हैं, और थड़ा से इंटरनेट पर डाल दिया, और इंटरनेट पर ट्रेंड करने ही लगा भैया। बाद में मेरे को जाके पता चला कि फिल्म का डायरेक्टर फराज साहब जी, मैंने कहा अल्लाह तौबा, माफ करे, कोई ना कोई हमने भी गलतियां करी हैं जिंदगी में, कोई ना कोई पाप करे हैं, किसी का हक मारा है, और ये समय है बच्चों अपने अपने परमेश्वर से, अपने अपने प्रभु से हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि देश जिस आपदा से जूझने वाला है वो बस अल्लाह माफ करे। और इस बार तो सुना है भाई ईद का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं, 30 दिसंबर को ही न्यू ईयर से पहले फटाक धन पिक्चर लॉन्च हो जाएगी, और हमारे लिए तो बढ़िया है भाई, ऐसी चीजें आई पिक्चरें आती रही, हम 2-3 गाली गलौज करके रिव्यू बना देंगे और व्यूज कमाएंगे और झोला उठा के चल देंगे। या भाई का टीजर आया उसके 2-3 दिन बाद क्वीन ऑफ इंग्लैंड चल बसी, मतलब आपस में इनका कोई लिंक नहीं है, मैं बस आपको क्रोनोलॉजी समझा रहा हूँ। 96 ईयर्स की क्वीन एलिजाबेथ वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रीनिंग मोनार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने कई साल राज करा और अपने राज में उन्होंने कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज, कई सारे प्राइम मिनिस्टर, कई सारे एरा देखे, उनके अराउंड बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल था, लेकिन तब भी 83 में हमारे क्रिस श्रीकांत उनको आंख मार के आ चुके हैं गाइस। और इंडियन इंटरनेट पे तो लौंडे कुछ इस तरह से मातम मनाने लगे जैसे इनकी दादी बिना प्रॉपर्टी के पेपर साइन करे मर गई हो, और बाकी जनता कह रही चलो क्वीन मर गई अफसोस, अब ये बताओ कोई उनका वापस करोगे? मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता यार। But that's the thing. The internet divides into such small binaries and almost makes it imperative for you to align to either of these ideologies and trends. But life isn't that simple always. Factually speaking, India got its independence in 1947 and the queen became queen in 1952. She would have had little to no say in whatever her forefathers did, particularly in their colonial expansion and the loot of India. Aur unko is baat pe hate dena wo thoda sa unfounded hai. And in case you did not realize in your hate, India also declared an official mourning for the queen's death. हमारे झंडे भी हाफ मास पे निकले थे और ये देश की सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है। वही दूसरा बात करते हैं कोहिनूर लौटा दो, कोहिनूर लौटा दो, अबे तुम्हारा दो तुम्हारे चार्जर का वायर नहीं लौटा रहा, किंग चार्ल्स आएगा कोहिनूर? और वही है गाइस, हिस्ट्री इज फॉर अस टू लर्न एंड नॉट फॉर अस टू रिवर्स। हिस्ट्री को रिवर्स करना इतना आसान नहीं, और अगर आप रिवर्स करने जाएंगे भी तो कहां तक चीजों को रिवर्स करेंगे? मतलब एक कोहिनूर थोड़ी चुराया उन्होंने भाई, क्या क्या वापस मांगोगे उनसे? अगर किसी दिन काले चिट्ठे में हिसाब लिख के दे दिए ना तो नासिर हुसैन से रवि बुपारा तक सब वापस मांगना पड़ जाएगा हमें। और मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये रेल नहीं वापस करने वाले हम लोग। खैर अगली खबर आ रही रोहतक हरियाणा से, वहां पर एलिजेडली एक 102 साल के ताऊ की पेंशन आना बंद हो गई। अब जब इन लोगों ने अपेरेंटली पूछा कि भैया पेंशन क्यों ना आ रही, तो ये पता चला कि भाई साहब तुम्हारे ताऊ तो मर चुके हैं। कहते हैं ताऊ तो जिंदा है? कह रहे नहीं भाई साहब रिकॉर्ड में तो मर चुके हैं। तो ताऊ ने अपने जिंदा होने के सबूत देने के लिए एक बहुत बढ़िया जुगाड़ निकाला। उन्होंने एक पूरा का पूरा प्रोसेशन, एक बारात निकाली जहां पर नोटों की माला और काला चश्मा जचदाए पहनकर वो बैठ गए, और उन्होंने पूरी की पूरी प्रोसेशन निकाल के प्रशासन के पास गए अपनी पेंशन मांगने के लिए। मैंने कहा वाह ताऊ मजा आ गया, मजा आ गया ताऊ के इस आइडिया को देख के, और इतने यंग एंड एनर्जेटिक चश्मा पहन के जो वहां बैठे हैं उसको देख के मजा आ गया। And if this story is actually true, I hope his problems are resolved और उनको इस तरह से बाकी कुछ ना करना पड़े अपनी ही पेंशन लेने के लिए। एशिया कप से बाहर होने के बाद, अब तो क्या बोलें, अब तो एशिया कप का था। खैर
एशिया कप से बाहर होने के बाद इंडिया ने अपनी वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड भी अनाउंस कर दी है और एशिया कप के स्क्वाड से सिर्फ दो मेजर चेंजेस हुए हैं। वन, हर्षल पटेल कम्स इन फॉर आवेश खान एंड रवि बिश्नोई मेक स्पेस फॉर जसप्रीत बुमराह। और स्टैंड बाय प्लेयर में सबसे ऊपर नाम लिख दिया गया मोहम्मद शमी का। भुवनेश्वर कुमार अभी भी टीम में एंड वाई बुंडी भी। आखिर उन्होंने अफगानिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ 5 विकेट लिए गाइस, तो क्या हुआ अगर उससे पहले ओवर में 19 रन और 14 रन दे चुके हैं वो, तो क्या हुआ भाई है? एक दो मैच तो कोई भी हरा देता है भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, वहां भी तो अफगानिस्तान बांग्लादेश आयरलैंड वगैरह से मैच पड़ेगा, कोई तो चाहिए वहां विकेट लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम मोहम्मद शमी, अनदर पर्सन हु वाज अनलकी टू मिस आउट वाज संजू सैमसन। आई मीन आई फील फॉर दैट गाय बिकॉज उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं करा कि उसको टीम में नहीं रखा जाए, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनको किन की जगह खिलाया जाता। बट हियर आई फील दैट द प्लेयर्स हैव बीन गिवन प्रेफरेंस बेसिस देयर रेपुटेशन एंड नॉट ऑन देयर फॉर्म। बहुत से बड़े प्लेयर्स ऐसे हैं जो फॉर्म में नहीं है लेकिन तब भी उनको रखा गया है, और बहुत से ऐसे छोटे प्लेयर्स बेचारे फॉर्म में तब भी उनको बाहर कर दिया गया है। बट व्हाटएवर सेड एंड डन, जो भी टीम वहां पर जाएगी वी वुड रूट फॉर देम, वी वुड चीयर फॉर देम एंड वी वुड होप कि वो इस बार वर्ल्ड कप लेकर वापस आए, है कि नहीं। फिलहाल गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दे, कमेंट करके बताइए किस चीज से आप अग्री करते हैं और किस से नहीं अग्री करते हैं। एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज थोड़े सब्सक्राइबर्स की मुझे भी जरूरत है गाइस। थैंक यू, बाय।